रुक्ष्मणी कुमारी, जिसका अर्थ होता है शिव जी की तीसरी आंख, और उनकी कार्यशैली भी कुछ नया और बदलते वक्त के रूप में यही अंदाज बयां कर रही है। हम आज बात कर रहे हैं चोमू राजघराने की उस वीरांगना बहू की, जिनके पति सेना में अग्रिम पंक्ति में तैनाती के दौरान देश की रक्षा में शहीद हुए। उस शहीद की वीरांगना रुक्ष्मणी कुमारी ने बच्चों व महिलाओं के उत्थान व स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्टार फाउंडेशन के बैनर तले काफी काम किया है। बेहद सादगी से नई सोच के रूप में स्वयं को रुक्ष्मणी कुमारी ने चोमू क्षेत्र को सामान्य से भी वर्तमान आवश्यकता अनुसार जयपुर जैसा आधुनिक बनाने की नींव रखी है। प्रत्येक चोमू वासियों को कदम से कदम मिलाने के रूप में सबको साथ लेकर चलने की शुरुआत की है। रुक्ष्मणी कुमारी का सोचना है, जब मिड जयपुर से सांगानेर दूर होते हुए भी विकसित व रोजगार का प्रायः है नजदीक होते हुए भी चोमू क्यों नहीं। रुक्ष्मणी कुमारी की सोच वर्तमान व भविष्य के भारत के अनुरूप है। सामाजिक सरोकार सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में रुक्ष्मणी कुमारी की उपस्थिति भी देखी जा रही है। चलिए आज हम करते हैं उनसे चर्चा हमारे एडिटर हुकुम सर के साथ। खास मुलाकात में हम इस समय मौजूद हैं चोमू राजघराने से रुक्ष्मणी जी, राजकुमारी जी से। आज उनसे जानेंगे इस बदलाव के दौर में जिस तरह किसी उन्होंने सामाजिक सेवा में आए हैं, कुछ नए तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जो सामान्यतः राजघराने हैं समाज सेवा से जुड़े हैं, लेकिन परिवर्तन की बातें बहुत कम सुनाई दे रही है, लेकिन आपने कुछ एक अलग ट्रेड स्टार्ट किया है। मैं मेरे बारे में बात कर सकती हूँ। जब मैं मेरे क्षेत्र में गई, जो चोमू क्षेत्र है जहाँ से मेरे इन लॉज पूरी फैमिली बिलोंग करती है, जब मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया, मेरा एक फाउंडेशन है स्टार फाउंडेशन, तब मुझे लगा कि बिजली पानी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बात करने से ही बात होती है, वैसी वाली बात है। तो आई हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उसकी बात आगे लाती हूँ, सोशल मीडिया पे हर तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है या कहीं पे कोई मिसिंग पॉइंट है। तो दैट इज़ व्हाट आई सेड, मैं एक चेंज मेकर बनने की कोशिश में हूँ कि शायद जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम चेंज ला सकें। कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि आपने कई गांव को अडॉप्ट किया है और वाकई ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है। हाँ, हम लोग हमारे पास एक गांव है जो हमने गोद लिया है, और बहुत सारे हम लाइंड अप हैं, काफ़ी दिल्ली और बॉम्बे से कंपनीज को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो आके राजस्थान में आके उन गाँव में हमको हेल्प करे, बिकॉज स्टार फाउंडेशन कांट डू दिस थिंग्स वन हैंडेड। तो हम चाहते हैं कि कंपनीज आगे आएं। हम बात रखते हैं कि एजुकेशन के बारे में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में। हमारे लगभग 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्टार शू प्रोजेक्ट, जो मैं WHO से अमेरिका गई थी, तब मैं वहाँ पर दे डू इट फॉर अमेरिकन अफ्रीकन चिल्ड्रन, तो हम वो यहाँ हमारे क्षेत्र में लेके आए हैं। स्टार महिला केंद्र है हमारे, जहाँ पे हम महिलाओं को स्किल कर रहे हैं स्टिचिंग में। हमारा एक कैंपेन चल रहा है जहाँ हम हर घर एक वृक्ष लगा रहे हैं, मतलब एक फलदार पेड़, जिस तरह से ज़्यादा हमारे पास मिस्ड कॉल आते हैं और कैसे कैंपेन को चला रहे हैं। इट्स फैंटेस्टिक दैट लोग बाग अप्रोच कर रहे हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो आई थिंक ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, जिसमें मुझे आई एम रियली इन्जॉइंग इट। जब तक ये जुड़ाव नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी बदलाव नहीं आ सकता। लोगों की ज़रूरतमंद होता है पानी, सड़क, बिजली, विधायक होता है वो इन चीज़ों को प्राथमिकता देता है, जनप्रतिनिधि होता है वो इन चीज़ों को प्राथमिकता देता है, लेकिन आपने उन चीज़ों से आगे चलकर कुछ किया है। महसूस करते हैं कि पब्लिक भी चाहती है कि उन ज़रूरतमंद के अलावा भी बहुत कुछ होना चाहिए। जी, मैं तो चाहती हूँ कि प्रतिनिधि को भी, मैं 2-3 बार हमारे साथ वार्तालाप हुई, तो मैं उनको भी यही एडवाइस करती हूँ कि आप थोड़ा इनसे उठें। ठीक है, दीज आर बेसिक इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट हम इससे उठ के एजुकेशन हुई, हेल्थ हुई, हेल्थ की कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फूड, मतलब उस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। तो बदलाव तो तभी आएगा जब
वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर इशू, एजुकेशन रही, फूड हुई, हाइजीन हुई, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, जो मैं देखती हूँ हमारे क्षेत्र में एजुकेशन हब है कहलाता है, बट ऑर्गेनाइज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है. तो ये मैनेजमेंट के लिए मैं ज़रूर प्रतिनिधि को इस चैनल के द्वारा बोलूँगी कि आप और इसको मैनेज करें और मैनेज बदलाव लाएं. सिर्फ सड़क या बिजली तक ही सीमित नहीं रखें. आप भी होना है. हाँ, बहुत. मैं ये सोचती हूँ उतना ही डिस्टेंस में सांगानेर है. जब सांगानेर में इतनी कंपनीज और इतनी फैक्ट्रीज और इतना एम्प्लॉयमेंट उस एरिया के लिए है, तो हमारे क्षेत्र के लिए क्यों नहीं. तो मैं हमेशा हर जगह ये बात रखती हूँ कि हमारा युवा को, उस क्षेत्र के पूरे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और मुझे, मैं बहुत सोच विचार में हूँ कि इस क्षेत्र को निग्लेक्ट क्यों करा गया है, पर मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू माय वर्क, टू टेक, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितना हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका नाम, मतलब बोलते हैं ना, एक रोशन कैसे कर सकते हैं, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी. लोगों के लिए इतना सोचते हैं, लोगों की उत्सुकता ये भी रहती है कि रुक्मणी जी को हम आने वाले दिनों में कहाँ देखें. निश्चित रूप से विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में देखें, लेकिन क्या सिंबल हो, क्या पार्टी हो, ये जिज्ञासा, ये सवाल लोगों का कब ख़त्म होगा. देखिए, मैं जब गई थी तब ये बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि आई वुड कम इन टू राजनीति या मैं राजनीतिक उस स्तर पे आऊँगी. मैंने, मेरा फाउंडेशन, स्टार फाउंडेशन, हमारे, मेरे जब मेरे हस्बैंड पास्ट हुए उनके पीछे ही हमने ये करके हमारे क्षेत्र में बनाया था, बिकॉज वो कश्मीर में शहीद हो गए थे, उनके बाद ही हमने ये. तो हमारा तो यही था कि हम सोशल वर्क करके उस क्षेत्र में हमारे चेंज लाएंगे. बट जब काम करना शुरू किया तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो मुझे ज़रूर ये लगता है कि प्रतिनिधि बन के मैं और भी बहुत सारी चेंज ला सकती हूँ. तो जो सवाल आपने पूछा है, लगभग दिसंबर तक क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या रहेगा, क्या पार्टी रहेगा, क्या किस चीज़ से कंटेस्ट करेंगे. रुक्मणी जी से बातचीत के दौरान ये साफ साफ झलकता है कि नई सोच के साथ में और बदलाव के रूप में चौमू विधानसभा के लिए उन्होंने अपनी एक नई पारी की शुरुआत की है. राजघराने से और धरातल पर मेहनत करना, सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहना और युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना, बातचीत में ये साफ साफ झलकता है. खास मुलाकात में फिर मिलते हैं किसी खास सक्सेस से. दीजिए जल्द, आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स.